देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के चौथे किस्त की जानकारी दी। यह लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण मीडिया से। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। समय की कीमत है और समय बचाने के लिए यह काम करना होगा। भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं, इसे सुगम बनाया जाएगा। 2 महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे विमानन क्षेत्र को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाई करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। कोल सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान। कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इस पर काम करना है। ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले, 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा। निर्मला सीतारमण ने DBT, GST, IBC, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्धियों की याद दिलाई। पॉलिसी सुधार, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है। यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है।